पुरुषों को जो है बनाने का काम किया। बोध ज्ञान और मोक्ष की धरती रही है, पहला लोकतंत्र की जननी रही है, फिर भी इस तरह का ये लोग बयान बिहार के प्रति देते हैं, और वो भी वो व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा है। और हम लोग झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं कि लगातार बिहार के साथ जो है पक्षपात किया जाता है, बिहार के साथ लगातार पक्षपात किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार वासियों को बिहार को सहयोग करना छोड़ दिया। देखिए ऐसा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान आया है। तेजस्वी यादव ने पीयूष गोयल पर हमला बोलते हुए यह साफ कहा है कि जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं पीयूष गोयल, उनको ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और इस तरीके का वो बयान दे रहे हैं, यह शोभा नहीं देता है। वहीं तेजस्वी यादव ने यह साफ कहा है कि बिहार वासियों से उनको माफी मांगना चाहिए। तो वहीं कोरोना के जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि बिहार सरकार जो है लगातार तैयारी कर रही है। तो वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी है तेजस्वी यादव का यह साफ कहना है कि लगातार चेकअप हो रहा है, पीसीआर जांच जो है वो लगातार हो रही है, तो वहीं जांच को लेकर मशीनें बढ़ाई गई है। वहीं क्या कुछ कह रहे बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वो सुने आप लोग। पुरुषों को जो है बनाने का काम किया, बोध ज्ञान और मोक्ष की धरती रही है, पहला लोकतंत्र की जननी रही है, फिर भी इस तरह का ये लोग बयान बिहार के प्रति देते हैं, और वो भी वो व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा है। और हम लोग झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं कि लगातार बिहार के साथ जो है पक्षपात किया जाता है, राज्यों गरीब राज्य बिहार पर जो है ज़्यादा भार दे दिया जाता है। पहले जो भी सेंट्रल स्कीम्स वगैरह होती थी, पहले 90-10 होता था, फिर 70-30 हुआ, फिर 60-40 हुआ, अब 50-50 हो गया। तो बिहार को किस प्रकार से आगे हम लोगों को बढ़ाना है, इसमें तो भाई केंद्र से हम लोगों को सहयोग चाहिए, लेकिन केंद्र जो है सहयोग करता नहीं है। और जो केंद्र में जो लोग बैठे हैं उनके मन में कितनी घृणा बिहार के प्रति है, पार्लियामेंट में खुलेआम कहा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस प्रकार के विचारधारा या सोच ताल्लुक रखते हैं। कहा कि इनका बस रहे तो देश को बिहार बना दे, तो बिहार मतलब क्या? मतलब अब वही बात हुआ ना, घृणा है मन में। देखिए हमने तो सुना नहीं है क्या उन्होंने कहा है, लेकिन देश की जो स्थिति है, चाहे किसान को देख लीजिए, जवान को देख लीजिए, युवाओं को देख लीजिए, या देश की आर्थिक स्थिति देख लीजिए, या सीमा पर जहाँ तक अगर सुरक्षा की बात आए, अगर आर्मी ना हो, और वो तो अपना काम करती है, लेकिन इसमें कम से कम भारत सरकार को गंभीरता से एक रणनीति बनानी चाहिए कि भाई जो चीन जो बार बार जो अटैक कर रहा है, या हमारे धरती पर वो घुसने का प्रयास कर रहा है, तो एक टैक्टिक्स तो बनाना ही चाहिए। वो तो हम आर्मी के जवानों को सलूट करते हैं कि वो खड़े हैं, लेकिन उन जवानों का क्या? हम तो पहले भी स्थिति को कह जो जवान खड़ा हो हम तो पहले भी स्थिति को कह जो जवान खड़ा होगा वो 4 साल बाद क्या करेगा? अभी जो नए डीजीपी आए हैं आपसे मिलने आए हैं, कितनी उम्मीद है? नए डीजीपी भर्ती से आए हैं, कितनी उम्मीद आपसे मिलने की? जान रहे पूर्ण में एक पर रुको, पूर्ण ए उनको भेज एक पर बात कर पूर्ण में जो डीजी रहे हैं उनका कार्यकाल जो है समाप्त हो गया और नए डीजीपी का चयनित हुआ है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और उनका पहले का भी एक्सपीरियंस काफी रहा है, अभी बीएसएफ से ही आए हैं, तो पूरी लोगों की उम्मीद है कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो एकदम कंट्रोल में रखेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं। पूर्व में जो डीजी रहे उनका कार्यकाल जो है समाप्त हो रहा है और नया चयनित हुआ है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और उनका पहले का भी एक्सपीरियंस काफी रहा है, देख नहीं रहा है, बीएसएफ से ही आए हैं, तो पूरी लोगों की उम्मीद है कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है वो एकदम कंट्रोल में रखेंगे। आप ही का है।
तो आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव। जिस तरीके से पीयूष गोयल ने टिप्पणी की है इसको लेकर तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने यह साफ कहा है कि बिहार ज्ञान की धरती रही है, ज्ञान की भूमि रही है, इसको देखते हुए बिहार को लेकर ऐसी टिप्पणी करना संवैधानिक पद पर बैठ कर ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है एक नेता को। तो वहीं सीधा सीधा तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीयूष गोयल को बिहार वासियों से माफी मांगनी चाहिए, तो वहीं तेजस्वी यादव ने कोरोना को लेकर जो है यह साफ कहा है कि बिहार सरकार पूरे तरीके से तैयारी कर बैठी है। तो वहीं जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उसको लेकर कमर कसकर सरकार खड़ी है। तो वहीं तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना था आपने सुना है, तमाम प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने क्या कहा है वो भी आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।